हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट्स बाय एस्टिमेशन मेथड। इससे पहले हम लोग क्यूब रूट्स निकाल चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये दूसरा मेथड है, दैट इज एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा लगाना। इसमें हम लोग क्यूब रूट्स का अंदाज़ा लगाते हैं, और इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। वन बाई वन करके सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है 19683। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो जो ये नंबर है 19683, इस नंबर को राइट साइड से तीन तीन का पेयरिंग करते हैं। इधर से तीन नंबर का एक पेयर करेंगे और ये बन जाएगा ग्रुप वन। इधर से ये बनेगा ग्रुप सेकेंड। इसके बाद वन से लेकर टेन तक का क्यूब लिख के रखते हैं पहले से। वन का क्यूब इज इक्वल टू वन, टू क्यूब इज इक्वल टू एट, थ्री क्यूब इज इक्वल टू 27, फोर क्यूब इज इक्वल टू 64, फाइव क्यूब इज इक्वल टू 125, सिक्स क्यूब इज इक्वल टू 216, सेवन क्यूब इज इक्वल टू 343, एट क्यूब इज इक्वल टू 512, नाइन क्यूब होता है 729, एंड लास्ट टेन क्यूब इज इक्वल टू 1000। ये आपको वन से लेकर टेन तक का तो याद ही होना चाहिए। इसी के बेसिस पे आप बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया टेबल। अब इसके बाद जो ग्रुप वन है, ग्रुप वन का जो यूनिट डिजिट है, इसको चेक करेंगे कि ये इसमें कहाँ पे आ रहा है। थ्री देखिए यहाँ पे आ रहा है, और ये किसका क्यूब बन रहा है, सेवन का। तो सेवन उठा के लिख लेंगे। ये हो गया, इसका काम हो गया अब पूरा। अब आएंगे ग्रुप टू में। ग्रुप टू में कितना लिखा हुआ है, 19। 19 देखिए, 19 से छोटा नंबर इधर चेक करेंगे कौन सा है। 19 से छोटा नंबर 64, उससे छोटा 8 है। 8 किसका क्यूब बन रहा है, 2 का। 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में बोल रहा है 110592 का क्यूब रूट फाइंड आउट करिए। तो ये हो गया 110592। सबसे पहला स्टेप है राइट साइड से तीन तीन का पेयर बनाना। ये हो गया पहला ग्रुप, ये तीन का हो गया दूसरा ग्रुप। उसके बाद जो पहले ग्रुप का जो यूनिट डिजिट है, ये चेक करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। देखिए टू यहाँ आ रहा है, किसका क्यूब बन रहा है, एट का। एट लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में 110 है। 110 से छोटा नंबर देखें कौन सा है, यहाँ पे 125 इससे बड़ा हो जा रहा है, 125 से कम, ये 64 है। 64 किसका क्यूब बन रहा है, 4 का। तो ये 4 उठा के यहाँ पे लिख देंगे और ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब इसका जो है क्यूब रूट 48 होगा। चेक कर लीजिए, चेक कर भी स्केच चेक कर सकते हैं। 48 इंटू 48, 8 8 64, कैरी 6, 8 4 32 और 6 38, 4 8 32 2, कैरी 3, 4 4 16 और 3 19, 8 2 10 0 हाथ में 1, 9 1 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 2 2 0 4 2 3 0 4। अगेन इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32, 8 3 24, 8 2 16 और 2 18, 4 4 16 6 1, 4 3 12 2 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 2 6 3 9 4 1 5, 8 2 10 0 कैरी 1, 9 1 10 1 11। ये देखिए 110592 आ रहा है, इसका मतलब सही है, 48 इज द करेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। 6 8 5 9, 6 8 5 9, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इधर से तीन का पेयर बना लिए और ये इधर से ये एक ही बचा। तो ये पहला हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप का यूनिट डिजिट उठाएंगे, 9 9। देखें कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। किसका क्यूब बन रहा है, 9 का। तो ये हो गया 9, यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड ग्रुप में देखेंगे 6। अब 6 से छोटा नंबर चेक करेंगे यहाँ पे कौन सा है, ये 1 1 ही बच रहा है। मतलब ये किसका बन रहा है, 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पे। इसका मतलब
19 ही इसका आंसर होगा, मतलब 19 का क्यूब इतना आएगा, यानी कि इसका क्यूब रूट 19 होगा। बहुत इजी है। सिमिलरली जैसे ये 54872 है, सॉरी 54872, इधर से तीन का पेयर बना लीजिए, इधर से एक हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, इसका उठाएंगे यूनिट डिजिट, चेक करेंगे कहाँ पे आ रहा है, टू, एट का क्यूब करने पे आ रहा है, ये हो गया एट। सेकंड ग्रुप में 54 जो नंबर, ये पूरा 54 से छोटा नंबर कौन सा, इधर 27 है, सब 27 किसका हो रहा है, थ्री का, ये लिख दीजिए थ्री, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट ये एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 778688, तीन का पेयर बना है, ये तीन का पेयर, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का ये यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट देखें कितना, एट, एट यहाँ पे आ रहा है, ये टू का क्यूब बन रहा है, टू का क्यूब करने पे एट आ रहा है, तो ये टू हो गया यहाँ। अब ये सेकेंड ग्रुप में लिखा है 778, अब ये 778 यहाँ से ढूंढेंगे कि इससे 778 अगर मिल जाए तो ठीक है, या फिर इससे छोटा नंबर, जस्ट छोटा नंबर, 778 से छोटा नंबर कौन सा है, ये देखिए 729 है। अच्छा आप लोग एक डाउट आएगा मन में कि 778 से छोटा तो ये भी है, ये भी है, ये सारे 778 से छोटा है, तो ये इन सब में से कोई ये क्यों नहीं ले रहे हैं, 778 से जस्ट बाद वाला जो छोटा है वो लेना है, 778 से जस्ट बाद का छोटा ये है ना, ये तो इससे और कम हो जाएगा, लेकिन ये इससे अगर ज़्यादा लेते हैं तो ये 1000, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं लेना है, 778 के जस्ट बाद वाला छोटा नंबर ये है, तो यही वाला लेंगे, 729 है, और ये किसका क्यूब बनना है, 9 का, तो 9 उठा के यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर।